गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर अभी बन रहा है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। आज है मेरे हस्बैंड की छुट्टी का दिन, और आज मैं आपको बताऊँगी कि हस्बैंड की छुट्टी वाले दिन हमारी क्या एक्टिविटी रहती है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है कि जिस दिन हस्बैंड की ऑफ होती है उस दिन ज़्यादातर हमारा बाहर ही घूमना फिरना होता है, और आज है हमारा डे फर्स्ट। और अभी यहाँ चल रहा है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में मैंने अंडा पराठा और साथ में इसके सालन है। सालन मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती ब्रेकफास्ट में, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है अंडे के साथ सालन खाना। तो ये जो सालन है ये मेरे हस्बैंड के लिए है, और यहाँ पर अभी हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। और माशाल्लाह से हमारा जो बेटा है वो भी हमारे साथ में ही नाश्ता करता है, और उसको भी हम थोड़ा बहुत जो है स्पाइसी टच करवाते हैं कि उसको स्पाइसेस की आदत रहे। और उसके बाद यहाँ पर जो थोड़े से ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो इस टाइम थोड़े से गंदे हो चुके हैं, और जल्दी से मैं यहाँ पर वो क्लीन कर लूँगी। और किचन की मैंने एक दिन पहले ही बहुत अच्छे से सारी क्लीनिंग कर दी थी, फिर भी जो थोड़ा बहुत गंद था थोड़ा बहुत, वो मैंने यहाँ पर अभी बिल्कुल क्लीन कर दिया। और ये है मेरी किचन की विंडो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसीलिए मुझे बर्तन धोना भी पाकिस्तान में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर अच्छा लगता है। साथ साथ आप बाहर नज़ारे करते रहें, और अगर गर्मी और इस विंडो को अगर आप ओपन कर दें तो बहुत ही मज़ेदार जो हवा है वो बाहर से आती है। और इसके अलावा यहाँ पर अभी सारी जो मेरी किचन की क्लीनिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ डन हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो भी सो चुका है, और बहुत अच्छी बात है कि वो ब्रेकफास्ट करके थोड़ा बहुत खेल कर और उसके बाद अभी यहाँ पर वो आराम से सो चुका है। और अब मैं यहाँ पर सुकून से जो है तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है बाहर, थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए जाना है और कुछ शॉपिंग भी करनी है। आज हम उस स्टोर पर शॉपिंग के लिए जाएंगे जहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया था अपने पिछली वीडियो में कि हम लोग प्राइमार्ट स्टोर से ही ज़्यादातर जो शॉपिंग है वो अपनी करते हैं। और आज मैं ये वाली ड्रेसिंग कर रही हूँ रफ़ एंड टफ स्टाइल में, जीन्स एंड रफ स्टाइल में ही शर्ट है, और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं लाइट सा मेकअप कर लूँगी। मेकअप के बगैर मैं तो बाहर नहीं जाती, शायद ही कोई लड़की होगी जो नहीं जाती, ऑलमोस्ट सारी ही थोड़ा बहुत करती हैं। खैर, आई लव मेकअप सो मच, मुझे सभी कुछ अच्छा लगता है, मुझे ज्वेलरीज भी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है, और बेसिकली मुझे खुद को फिट रखना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हम लोग सब तैयार होकर और अभी जाने लगे हैं हम लोग बाहर, और अभी हम लोग बस अपने घर से निकलने लगे हैं, और मेरा बेटा रेडी होकर अपनी सीट पर बहुत आराम से बैठ चुका है, और बस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये है हमारे घर से पार्किंग से, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो से ही पता है कि पार्किंग से बाहर जाने का रास्ता है। और जिस स्टोर में हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं उस स्टोर की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो उस स्टोर में जो भी चीज़ें हैं वो तमाम उनकी अपनी बनाई हुई हैं, आपको उन जैसा कपड़ा जूता या जो भी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के स्टोर से मिलेंगी, बाकी दूसरे स्टोर से नहीं मिलेंगे। लाइक जैसे बच्चों के, ज़्यादातर मैं रायन को कार्टर्स के कपड़े पहनाती हूँ, तो जो कार्टर ब्रांड है वो आपको कार्टर का जो बड़ा स्टोर होता है वहाँ से भी मिल जाता है, प्लस आपको और दूसरे स्टोर से लाइक वॉलमार्ट से भी आपको कार्टर्स की जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। लेकिन जिस स्टोर पर हम जा रहे हैं वहाँ पर आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं मिलता, अगर आपको उनकी चीज़ें चाहिए तो उनके स्टोर पर ही जाना पड़ता है। और ये जो स्टोर है बेसिकली लाइक जैसे छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, ब्रांड्स होते हैं साथ साथ में, यहाँ पर ये तमाम बड़े बड़े जैसे स्टोर्स हैं लाइक मेसिस है, सियर्स है, और भी बहुत सारे हैं, मुझे अभी सभी के नाम नहीं पता, लेकिन जितने भी लाइक बड़े बड़े स्टोर्स हैं मोस्टली मॉल्स में शॉप्स होती हैं हर ब्रांड की, तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पर। लाइक आप फिर कर थक जाएंगे, लेकिन जो स्टोर्स हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। तो ये प्राइमार्क स्टोर है जहाँ से मैं अपने बेटे की ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ, और यहाँ से मैंने उठा लिया अपना कैरी बैग, जो कि मुझे बहुत इनका बुरा सिस्टम लगता है, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है और आपको कैरी बैग उठाना पड़ता है। और आज गलती से हम अपने बेटे के स्ट्रॉलर भी घर भूल गए, और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हमें मसला हुआ, क्योंकि माशाल्लाह बेटा हेल्दी है और फिर हस्बैंड ही ज़्यादा उसे उठाते हैं, और मैं तो इतना नहीं उठाती हूँ क्योंकि माशाल्लाह भारी, और फिर मेरे जो बाजू हैं उनमें पेन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ की जो कलेक्शन है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मैं अपनी बेटी की जो ज़्यादातर शॉपिंग है वो यहीं से करती हूँ, थोड़े बहुत कपड़े जो कि आदत होती है लेडीज़ की, और हम लोग कभी जाएँ स्टोर पर अच्छा लगे तो ले लेते हैं, लेकिन जो लंबी चौड़ी वाली शॉपिंग होती है वो हर 2 से 3 माह तक हम लोग इस स्टोर में ज़रूर आते हैं, और यहाँ से अलॉट ऑफ जो ड्रेसेस हैं मेरे बेटे के स्पेशली
हम लोग वहाँ से वो ख़रीद लेते हैं। और ये जो ड्रेस थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो ये 2 ईयर्स के बेबी की, मेरे बेटे को माशाल्लाह से 2 साल के बच्चे के कपड़े आते हैं, लेकिन मुझे ये उसके हिसाब से ज़्यादा बड़ी लग रही थी और इसमें छोटा साइज़ मुझे मिला नहीं, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा जो है इसको ख़रीदने की कोशिश नहीं की। खैर मुझे ये अच्छी लग रही थी। और यहाँ की एक सबसे अच्छी बात यह कि आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है, गर्मियों के भी, सर्दियों के भी, बहुत ज़्यादा ठंड के भी। अभी जैसे कि वेदर चेंज होने वाला है तो हमने थोड़ी सी उस हिसाब से शॉपिंग की है। कुछ थोड़ी बहुत जो बच्चों के हल्के गर्म कपड़े होते हैं मैंने वहाँ से वो लिए हैं। अभी गर्म कपड़े हस्बैंड कह रहे थे कि आप ले लो, लेकिन मैंने भी इतने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि हर 2-3 माह के बाद हमारा यहाँ चक्कर लगता है और अभी 2-3 माह हैं बहुत ज़्यादा ठंड आने में। तो मैंने रायन के नॉर्मल से जो कपड़े हैं वो लिए हैं, थोड़े कुछ गर्म लिए हैं कि अगर ठंड आ जाए तो हम उसको वो पहना देंगे, लेकिन अभी तो लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कुछ उसकी मैंने शर्ट्स ऐसी ली हैं अभी ज़्यादातर जो कि फुल स्लीव हैं। अभी ईद पर भी उसके तकरीबन 9-10 जो ड्रेसेस थे वो हमने ले लिए थे और वो सारे ही तकरीबन समर के ड्रेसेस थे। और ये आप देख रहे हैं इसके स्ट्रॉलर ना लाने का क्या नुकसान हो रहा है कि इसने मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करनी थी। इसके जो पापा हैं वो अपनी शॉपिंग के लिए चले गए और उसके बाद जो बेबी था वो मेरे पास था और फिर हमने यही डिसाइड किया कि पहले आप अपनी शॉपिंग कर लें और उसके बाद मैं अपनी शॉपिंग करूँगी और रायन की शॉपिंग हम मिलकर ही करते हैं। कुछ ड्रेसेस रायन के पापा के पसंद के होते हैं और कुछ ड्रेसेस मेरी पसंद के, तो खैर हम दोनों मिलजुल कर ही रायन की जो शॉपिंग है वो करते हैं। उसके पापा की भी चॉइस बहुत अच्छी है और यहाँ पर कुछ शूज़ थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और इनमें से मैंने एक ले लिया और यहाँ पर जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा मुनासिब थे, बहुत ज़्यादा लाइक दूसरे स्टोर्स की निस्बत। अब इसकी क्वालिटी क्या है मैंने अपने लिए, तो यहाँ से ड्रेसेस तो खैर शॉपिंग की है लेकिन कभी भी शूज़ वगैरह नहीं लिए। और यहाँ पर कुछ मेकअप की वैरायटी थी जो कि कुछ मेकअप थोड़ा सा चीप था और कुछ जो था वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का था। खैर मैंने मेकअप की यहाँ से कोई भी जो चीज़ है वो नहीं ली। और यहाँ पर कुछ नाइटीज़ थी लाइक यहाँ पर अभी जो विंटर का जो स्टफ़ है वो आ चुका है और अभी के विंटर यहाँ स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि बस एकदम से यहाँ गर्मी जैसे आ जाती है ऐसे ही एकदम से ठंड आ जाएगी। और यहाँ पर ये तमाम जो है इनके पास कलेक्शन मौजूद थी, तो मैंने अभी यहाँ से अपनी इस तरह की शॉपिंग नहीं की क्योंकि अभी वेदर इस तरह का नहीं है कि मैं अभी से शॉपिंग करके रख लेती। जब थोड़ी ठंड आएगी और थोड़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी आएगी तो फिर मैं ज़रूर यहाँ से लूँगी। अभी मुझे यहाँ से अपने लिए तो कुछ भी बिलीव में इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा और कुछ भी मुझे ऐसा पसंद नहीं आया कि मैं ख़रीद लूँ। हालांकि मेरी कोशिश थी कि मैं अपने लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बिल्कुल भी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगी। और यहाँ से ये है इनका बिलिंग का एरिया जो कि इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है कि इन्होंने साथ ही में ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं बिल्कुल सस्ती सस्ती सी $2-3 की रेंज में वो इन्होंने लगा दी हैं। लाइक आपको लाइन इतनी ज़्यादा यहाँ पर लंबी होती है, इतना ज़्यादा क्राउड होता है तो आपको काफ़ी देर जो है वो लाइन में लगे रहना होता है और फिर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो आप वो कैरी कर लेते हैं। और उसके बाद अभी यहाँ से हम लोग हो चुके थे फ्री अपनी शॉपिंग से और रायन के, क्योंकि स्ट्रॉलर नहीं लाए तो हस्बैंड चीज़ें गाड़ी में रखने के लिए गए थे। और उसके बाद अभी हम यहाँ से जाएंगे इनकी दूसरी साइड पर। इधर खाना पीना भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर घूमना फिरना भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। और मुझे जो ये एरिया है सारा, ये मुझे सारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। और ये जो ट्रीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत मज़े का रेस्टोरेंट में खाना मिलता है। और यहाँ पर आपको खाना लेने के लिए टोकन लेना पड़ता है और एक लंबी चौड़ी लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद आपकी जब भी आप जाएं तो यहाँ पर जो लाइन है खाने के लिए वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो खैर हमें अभी इतनी ज़्यादा कुछ खास भूख नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने रास्ते में काफ़ी कुछ जो है खा लिया था। ये हमारे घर से दूर है, तकरीबन 1 आवर की ड्राइव पर होगा, तो हम लोगों ने रास्ते में से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं स्टे पे हम लोग खाते पीते ही रहे थे, तो इतना ज़्यादा कुछ खास ऐसी भूख नहीं थी। वैसे भी नाश्ते में अंडा और पराठे भी खाए हुए थे प्लस रास्ते में भी खा लिया, तो इतना ज़्यादा कुछ खाने का मूड नहीं था। तो ये है यहाँ का इनसाइड मॉल का व्यू। और इनका जो माल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही ज़्यादा साफ़ सुथरा बना हुआ है। और आपकी शॉपिंग के साथ साथ जो आपकी इंटरटेनमेंट है वो भी हो जाती है। और जो मेरा बेटा है उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती की, यहाँ पर वो बिल्कुल हाथ में आ ही नहीं रहा था क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा कलरफुल इतनी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही थी। और ये बिलेट देखकर मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ गई, लाइक वहाँ पे कभी बचपन में हम देखा करते थे इस तरह की जो आई थिंक इसको बिलेट ही बोलते हैं, तो वो शॉप्स पर इस तरह की होती थी और कुछ जो लड़के होते थे वो उसको प्ले कर रहे होते थे। और ये ऊपर से बहुत मुझे प्यारा लग रहा था, मैं ऊपर से नीचे देख रही थी तो ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया।
और यहाँ पर साथ ही साथ में जो मेरा बेटा है वो कभी किसी शॉप में कभी किसी शॉप में, उसको बिल्कुल कोई खुली सी वो जगह देखे तो उसको लाइक ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ। और फिर उसका मूड होता है कि मैं पीकाबू खेलूँ और कुछ भागे और मैं इसको पकड़ूँ, इस तरह की चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा अच्छा गुजरा और बहुत ज़्यादा थकन भी हो गई थी जब हम लोग घर गए। और जो शॉप थी यहाँ पे आप अपनी पसंद से जो बिस्किट्स हैं बड़ी प्यारी प्यारी इन्होंने डिज़ाइन करके ये दे रहे थे, आप यहाँ से बिस्किट्स लें। और उसके बाद यहाँ पर जो शॉप्स हैं कुछ फैंसी ड्रेसेस की वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो प्यारी हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये मॉल देखकर मुझे अपना पाकिस्तान का पैकेजेस मॉल याद आ गया। अब तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे जो मॉल हैं वो बने हुए हैं और पैकेजेस मॉल बिल्कुल हमारे घर के करीब है। और अभी जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गई थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा उस मॉल में गए थे, काफ़ी सारी हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की, खाया पिया, वो भी बहुत अच्छा मॉल है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इसके जैसा, इस मॉल जैसा। और यहाँ पर जो है ये इनका खाने पीने का तमाम एरिया है। यहाँ पर तमाम साइट्स पर जो शॉप्स हैं यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स और इस तरह के खाने पीने की जो चीज़ें हैं, चाको बेल, मैकडोनल्ड्स, इस तरह के जितने भी यहाँ के खाने पीने के अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो आपको सारे यहाँ से मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छा इनका खाना होता है। और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी बेटी को ले आए थे थोड़ा सा प्ले करवाने के लिए प्ले एरिया में, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था। और यहाँ पर मेरे बेटे ने काफ़ी ज़्यादा प्ले किया दूसरे बच्चों के साथ मिलकर। बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें। जब मुझे याद है मैं भी छोटी थी और बच्ची थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो खैर यहाँ पर जो मेरा बेटा है उसने दूसरे बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्ले किया और मैंने भी उसके साथ साथ काफ़ी प्ले किया, क्योंकि अभी ये छोटा है और बाकी जो बच्चे थे यहाँ पर आलमोस्ट सभी उससे बड़े थे। और वैसे भी ये अचानक से गिर जाता है क्योंकि अभी इतना परफेक्ट चलता नहीं है और वैसे भी छोटा भी है और इसको भी चीज़ों की समझ भी नहीं है। तो इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर से मैं भी अपना जो बचपन है उसको इन्जॉय कर लेती हूँ। तो कुछ कहानी ऐसे ही चलती है, लाइक जब आप बड़े हो जाते हैं आपके बच्चे छोटे होते हैं फिर आप अपने बच्चों को प्ले करवाने के लिए उनके साथ जब प्ले करते हैं तो मुझे खुद भी इसके साथ प्ले करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम दोनों माँ बेटा मिलकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और मेरे हस्बैंड साइड पर बैठ कर हमें देखते हैं। कभी कभार इसके पापा भी इसके साथ इसी तरह से ही इसको प्ले करवाते हैं और ज़्यादातर ये ड्यूटी मेरी ही होती है। और यहाँ पर वो दूसरे बच्चों के साथ जो है बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। और वैसे भी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है आई थिंक, क्योंकि इसको दूसरे बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक हम बीच पे भी वॉक करने जाते हैं तो इसको बहुत अच्छा लगता है दूसरे लोगों से मिलना। और मैं चाहती भी थी कि इसमें ये बातें ज़रूर आएँ, क्योंकि अभी घर पर ये अकेला रहता है तो मुझे बिल्कुल बोरिंग और इस तरह के जो लोग हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि जो मेरा बेटा है वो इस तरह का बने। और मेरी हमेशा से ही कोशिश होती थी कि जो मेरा बेटा है वो सबसे मिलने जुलने वाला और प्यार मोहब्बत वाला हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेटा ऐसा ही है। यहाँ पर हम लोग अभी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय, साथ में इसके मैं भी झूले में बैठ गई, राइड ली मैंने भी इसके साथ और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली राइड्स में बैठना इतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अभी जस्ट अपने बेबी की वजह से, क्योंकि अभी वो छोटा है और उसको होल्ड करना पड़ता है और खुद से अकेला वो नहीं बैठ सकता। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा झूला था, बहुत ही स्लो चलता था और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और वो बिल्कुल उतर ही नहीं रहा था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद राइड से फ्री हुए तो फिर हल्की फुल्की भूख बिल्कुल थोड़ी सी ही थी तो हमने लाइट सा कुछ यहाँ पर खाने के लिए ले लिया। और वैसे भी बाहर जाएं और कुछ खाएं पिए नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, लाइक ना मैं ऐसी हूँ ना मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। और अभी माशाल्लाह से मेरा जो बेटा है वो भी बहुत अच्छे से ड्रिंक करने लग गया है, बहुत अच्छे से कोई भी ड्रिंक हो उसको इन्जॉय करता है। और उसके लिए हमने यहाँ पर उसके लिए तो नहीं ली, खैर ये मेरी ही ड्रिंक थी जिसपे उसने अपना कब्ज़ा कर लिया था कि बस अब ये मेरी है, अब आप इसको नहीं पकड़ सकती। और यू नो जब बच्चे कोई चीज़ पकड़ लें और आपने उनसे वो चीज़ वापस लेनी हो तो वो एक बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल और एक नामुमकिन बात हो जाती है, लाइक बिल्कुल एक मसला बन जाता है, बच्चे बिल्कुल नहीं देते हैं। और ये थी यहाँ पर जैसे जैसे रात होती जा रही थी इसकी जो लुक थी वो मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी, ये जो लाइट्स थी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कैमरा में आई डोंट नो वाई इतनी अच्छी लग रही हूँ आप लोगों को या ना, बट रियल में जिस टाइम पर हम लोग वहाँ थे और हम लोग देख रहे थे तो वो जो बहुत ही खूबसूरत एक लुक दे रही थी। और उसके बाद बस अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं वापसी के लिए अपनी। और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोगों ने यहाँ से क्या शॉपिंग की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो मेरा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें और कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट आप लोग किस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनको देखना चाहते हैं। और ये थी यहाँ से इसकी मॉल से पार्किंग की तरफ अभी हम लोग जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, और यहाँ की जो पार्किंग एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो खैर ये आप साथ साथ वीडियो देखते रहें और यहाँ पर आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।